हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th देखते हैं कि इसके हम कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे क्लास 9th। ठीक है बेटा, तो आपने बड़े ही ध्यान से जो है इसको समझना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी ये वीडियो। हमें कहा क्या हुआ है इस क्वेश्चंस में, देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चंस को रखता हूँ और एक्सरसाइज 2.1 में देखते हैं। उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि कौन सा जो है वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में एंड विच आर नोट, कौन सा नहीं है। ठीक है ना, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स। ठीक है, आपको उनका रीजन भी बताना है कि उनका वो पॉलिनोमियल क्यों है और वन वेरिएबल में है या नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 4x² माइनस का 3x प्लस 7। ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, देखिए उन्होंने पूछा हुआ था कि वन वेरिएबल्स में कौन कौन से है। ठीक है ना, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन नहीं होती। देखो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में वेरिएबल है एक्स। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर क्या है, पूरी इक्वेशन में देखिए एक्स के अलावा और कोई दूसरी वैल्यू तो इसमें नहीं है ना, तो इसका मतलब हमारे पास इसमें वेरिएबल क्या है, ओनली एंड ओनली एक्स ही है, इसके अलावा कोई और दूसरा वेरिएबल हमारे पास नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वन वेरिएबल में ये इक्वेशन है, लेकिन आपको ये बताने कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की पहचान आप कैसे करेंगे, कि पॉलिनोमियल का बताने के लिए आपको ये देखना होता है कि वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल जैसे ये एक्स, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेरिएबल की पावर क्या है, 2। ठीक है, और यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर क्या है, कुछ नहीं है देखो, तो 1 मानी जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर ना तो यहाँ पर नेगेटिव है और ना ही ये जो है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है ना, ना तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। ठीक है ना, जैसे 2 है देखो, 2 नेगेटिव का तो नहीं है और 1 भी नेगेटिव है, तो वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसलिए आप लिख सकते हो कि ये 1 वेरिएबल में है और ये जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इसे हम लिख सकते हैं कि 1 वेरिएबल में है और पॉलिनोमियल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y² + √2। यहाँ पर इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, ओनली 1 ही है देखो y, तो वेरिएबल आपका क्या आ जाएगा, आप लिख दोगे कि 1 वेरिएबल में है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, नेगेटिव नहीं है और ना ही फ्रैक्शन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने देखनी होती है वेरिएबल की, ना ही नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर में आपको क्या कहा हुआ है, 3√t + √2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारे पास टी। देखिए वेरिएबल हमारे पास टी है, यहाँ पर भी टी, देखो पूरी में जो वेरिएबल क्या है, टी है, ओनली 1 ही वेरिएबल है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, 1 वेरिएबल में इक्वेशंस है। ठीक है ना, बट पॉलिनोमियल का आपको पता लगाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल पता लगाने के लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो 3√ का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 और ये टी और साथ में रूट। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, वेरिएबल की पावर देखो क्या आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया। आप देख सकते हो वेरिएबल की पावर क्या हो गया, 1/2, और ये 1/2 कैसा है, रूट का ही मतलब क्या होता है, 1/2, आपको रूट लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2, तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। 1 वेरिएबल में तो ये है, लेकिन पॉलिनोमियल ये नहीं है बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y + 2/y। तो देखो वेरिएबल तो इसमें 1 ही है, 1 वेरिएबल, ओके, वेरिएबल इसमें 1 ही है, लेकिन y की पावर क्या है, y की पावर 1/2, आप इसे लिख सकते हो y की पावर 1, तो y की पावर 1+2, ये y जब ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो y की पावर 1, यहाँ नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव आ गया, तो नोट पॉलिनोमियल, पावर नेगेटिव आ जाए
या फ्रैक्शन में हो जाए तो वो क्या होता है, नॉट पॉलीनोमियल। पावर चाहे नेगेटिव, देखो यहाँ फ्रैक्शन में आ गई तो ये भी नॉट पॉलीनोमियल। यहाँ पावर क्या हो गया, ये ऊपर जाके वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी इसकी पावर, तो ये भी नॉट पॉलीनोमियल। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 टी की पावर 50। एक्स की पावर 10, वाई की पावर 3, टी की पावर 50। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास कितने वेरिएबल है, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपके पास कितने वेरिएबल आ गए हैं, एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, एक टी आ गया, क्योंकि ये जो वन की वैल्यू हमें नहीं पता, इट मीन ये हमारे पास वेरिएबल है। तो वेरिएबल कितने आ गया हमारे पास, 3। तो आप लिख सकते हो वेरिएबल जो है वो कितने हैं, 3 वेरिएबल। बट वेरिएबल तो 3 है लेकिन पावर क्या है, सबकी पॉजिटिव है। ठीक है ना, देखो पावर सबकी पॉजिटिव है, इसकी 10, इसकी 3, इसकी 50, तो पावर पॉजिटिव है तो ये पॉलीनोमियल है। ठीक है ना, कि 3 वेरिएबल है और साथ में ये पॉलीनोमियल है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चंस। ठीक है ना, सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कोफिशेंट, कोफिशेंट आपको बताना है। देखो 2, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 2 + x² + x। ठीक है ना, ये आपको गिवन है 2 + x² + x। सेकंड आपको बताना है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बताना है आपको, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ देखो कोफिशेंट होता है वो जो उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास जो है वो कुछ नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास कुछ भी नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर ओनली अकेला है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, जब उसके साथ कुछ है ही नहीं तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो उसका कोफिशेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 1। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपको नहीं क्लियर हुआ होगा तो सेकेंड क्वेश्चन में क्लियर कीजिए बेटा, 2 - x² + x³। तो इसमें आप लिखोगे कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर माइनस में है। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या आ जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर के साथ अब भी कुछ नहीं है देखो, तो क्या माना जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ है 1। लेकिन नेगेटिव भी आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पर आपको पॉजिटिव लिखने की जरूरत है, लेकिन हम पॉजिटिव को भी लगाते नहीं है। ठीक है, साइन के साथ, क्योंकि 1 का मतलब भी पॉजिटिव का 1 है, अगर आप इसके साथ पॉजिटिव लगाते हो तो तब भी ये पॉजिटिव का 1 है। ठीक है ना, तो इसलिए पॉजिटिव आपको लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो π/2 x² + x। तो इसमें आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2 इस बार, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर के साथ है π/2। तो इस बार कोफिशेंट क्या होगा, एक्स के π/2। सेकंड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ हम लाइन लगा देते हैं बेटा जी, ताकि ये आपको इजीली क्लियर हो जाए और अलग अलग भी दिख जाए। ठीक है ना, सेकंड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है √2x - 1। ठीक है ना, √2x - 1 आपको गिवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ही नहीं है, देखो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू है ही नहीं, हाँ एक्स वाली वैल्यू है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाली नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, 0। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 0, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोनोमियल डिग्री ऑफ 100। तो आपको जो वह कोई दो एग्जाम्पल देने हैं बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35, मतलब आपको ऐसा पॉलीनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो, लेकिन वो किस में हो, बाइनोमियल में हो। बाइनोमियल का मतलब होता है आपको जो वो उसमें दो वैल्यूज़ को लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना, लेकिन एक डिग्री जिसकी 35 होनी भी ज़रूरी है। ठीक है ना, तो देखते हैं, देखो आप एक एग्जाम्पल दोगे बाइनोमियल वाला, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बाइनोमियल वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे x की पावर 35 + 5। देखो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ गया,
एक ये और एक ये। बायनोमियल का मतलब होता है दो वैल्यूज, चाहे वो इसमें वेरिएबल हो या ना हो। आप 5 के साथ x लिख सकते हो नहीं भी, ठीक है ना, लेकिन एक x की पावर 35 का होना कंपलसरी है। जैसे और भी आप लिख सकते हो अपनी तरफ से 2x की पावर 35 प्लस 4x, ठीक है। और भी लिख सकते हैं जैसे 5x की पावर 35 माइनस 10। आपने लेकिन किसी एक को ही लिखना है, ठीक है ना। उन्होंने वन एग्जांपल लिखा था ओनली, ठीक है। तो मैंने तो आपको दो तीन लिखवा दिया, आपने ओनली वन ही लिखनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, बाइनोमियल था ये मोनोनोमियल हो जाएगा। मोनोनोमियल, मोनोनोमियल का मतलब है कि जिसकी पावर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो मोनोनोमियल में एक ही वैल्यू लिखना, जैसे 2x की पावर 100 या फिर 5y की पावर 100, ठीक है, या 3y की पावर 100, ठीक है ना। y लिख दो चाहे x लिख दो, इसमें भी आपने एक ही लिखना है। चाहे ये लिख देना आंसर, एक ही लिखना है, ठीक है ना। चाहे ये लिख देना, चाहे सेकंड लिख देना, चाहे थर्ड। भैया नहीं, आपको ये 3 इसलिए लिखा है आपको जो वो इजीली कवर हो जाए, ठीक है ना। एग्जांपल्स काफ़ी दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन कहा हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। आपको डिग्री लिखनी है इन सभी पॉलीनोमियल्स की। तो डिग्री क्या होगी बेटा जी, देखें फर्स्ट पॉलीनोमियल में लिख लेता हूँ 5x³ + 4x² + 7x। सेकेंड भी लिख लेता हूँ 4 - y². थर्ड भी मैं लिख लेता हूँ 5t - √7। 4 मैं लिख लेता हूँ ओनली 3, ठीक है। तो हमें इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है देखिए ज़रा ध्यान से, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है आपकी वेरिएबल की जो है वो सबसे बड़ी पावर, ठीक है। एक वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल है एक्स, देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी x है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इसमें वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ठीक है। तो ओनली वन वेरिएबल की क्वेश्चन हुई है, ठीक है ना। वन वेरिएबल ये पॉलीनोमियल हुआ हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है क्या, देखो यहाँ पर है पावर 1 वेरिएबल की, x की, यानी कि पावर 1 है। और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 मीन्स x की पावर 2, ठीक है, वेरिएबल x है ना। तो यहाँ पर है 3, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की वही हमारी डिग्री है, ठीक है ना। तो पावर क्या है, 3 सबसे बड़ी है, तो डिग्री हमारी 3। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें जो वेरिएबल आपके पास क्या है, इसमें वेरिएबल है आपके पास ओनली वाई। तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, वाई की पावर क्या है, 2, तो डिग्री इसकी 2। इसमें हमारे पास क्या है, वेरिएबल क्या है इस क्वेश्चन में, टी, तो इसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री 1। इसमें हमारे पास क्या है, इस वाली इक्वेशन में हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0, क्योंकि वेरिएबल तो है ही नहीं, ठीक है ना। ओके गाइस, क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। अब लास्ट क्वेश्चन हम इसका करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटा जी लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, बहुत ईजीली क्वेश्चन है, सिंपल है क्वेश्चन। तो देखते हैं, देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि इसमें हमें करना क्या है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्लासीफाई करना है हमने उनको लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो लीनियर पॉलीनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलीनोमियल मैं आपको बता दूँ, लीनियर पॉलीनोमियल वो पॉलीनोमियल होता है, देखो लास्ट क्वेश्चन हम इसका कर रहे हैं, लीनियर पॉलीनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, ओके। और जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ओके। और जिसमें डिग्री क्या हो, 3 हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। और जिसमें डिग्री क्या आ जाए, 4 हो जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्वार्टिक
क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है ना, नॉट क्वाड्रेटिक। इसको बड़े ध्यान से देखने, देखो क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक आपको सेम लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, ये है क्वाड्रेटिक ओनली, ठीक है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं एक्स माइनस एक्स की क्यूब, थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, फोर्थ नंबर लिख रहा हूँ वन प्लस एक्स, फिफ्थ नंबर लिख रहा हूँ थ्री टी, और सिक्स नंबर लिख रहा हूँ मैं आर स्क्वायर, और सेवन नंबर में लिख रहा हूँ सेवन एक्स की क्यूब, ठीक है। तो जैसा कि देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हो, देखिए यहाँ पर हमें वेरिएबल गिवन है x, ठीक है ना, और जिसकी पावर हमारे को क्या गिवन है 2, ठीक है, जिसकी पावर हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, तो इट मीन कि इसकी पावर हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में 2, तो आप क्या लिख सकते हैं डिग्री 2, तो आप लिख दोगे यहाँ पर क्वेश्चन में कि इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो ये कौन सा पॉलीनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 2 है, तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो ये कौन सा पॉलीनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डिग्री इसकी क्या है इस क्वेश्चन में 3, और इसमें क्या है डिग्री सबसे बड़ी क्या है, वेरिएबल ही वेरिएबल है यहाँ पर वाई, वाई की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो ये कौन सा पॉलीनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके बेटा, इसमें क्या है वेरिएबल की पावर क्या है, देखो वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, एक्स की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानी जाएगी 1, तो ये कौन सा पॉलीनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल। अब ये है 3t, t की पावर क्या है ओनली 1, देखो कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, t की पावर 1, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल। इसमें क्या है वेरिएबल की पावर 2, r स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। और इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। ओके, तो गाइस स्टूडेंट्स, आपने इसमें देखा इस वीडियो में कि हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की है, ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए या किसी में कोई डाउट हो, ठीक है, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, गुड बाय।